कि आज जो हम झेल रहे हैं उसके लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था जिम्मेवार है। एजुकेशन को हमने प्रायोरिटी नहीं दी। मैं चंदन जी हमारे सीनियर हैं, मैं उनके साथ किसी बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम लोग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वो यूनिवर्सिटी कब बनी है? जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी और उस सरकार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही थी, और पीसी जोशी, कल्पना दत्त का नाम आप लोग सुने होंगे, कल्पना दत्त के पति थे वो, पीसी जोशी का ब्रेन चाइल्ड था जेएनयू का बनना। एक ऐसी यूनिवर्सिटी बने जहां पर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जा सके। और देख लीजिए, जब पूरे देश में चुप्पी है, वो यूनिवर्सिटी अपने पूरे साहस के साथ खड़ा है। तमाम बदनामियों के बाद भी, तमाम कोशिशों के बाद भी, हमारे यहां के एक कवि हुए गोरख पांडे, उन्होंने कहा कि इनके पास तमाम धन दौलत है, गोला बारूद है, सब कुछ है, फिर भी ये डरते हैं। किस बात से डरते हैं? ये इस बात से डरते हैं कि एक दिन इनसे लोग डरना बंद कर देंगे। जेएनयू डरना बंद कर दिया है, जेएनयू सरकार से नहीं डर रहा है, उसको ना ईडी का डर है ना सीबीआई का डर है, वो अपनी पीढ़ी के लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए आज लड़ रहा है। किस बात की लड़ाई है? जेएनयू जेएनयू का फीस 999% बढ़ा दिया गया। मैं आज अगर यहाँ पीएचडी करके खड़ा हूं, चंदन जी पढ़े हैं, शकील साहब पढ़े हैं, वो इसलिए पढ़े हैं क्योंकि शिक्षा वहां पे सस्ती थी, और सरकार की समझदारी थी जब जेएनयू यूनिवर्सिटी बनी कि लोगों को पढ़ने का अवसर दिया जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको भी पढ़ाया जाएगा। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा करता हूँ, मेरी पूरी की पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हुई है। जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था पहली कक्षा में, उसके बाद हमारे शिक्षकों ने कहना शुरू किया मेरे पिताजी को कि इसको किसी प्राइवेट स्कूल में भेज दीजिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक सरकारी स्कूल के टीचर कह रहे हैं कि इसको किसी प्राइवेट स्कूल में भेज दीजिए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है इसको निजी स्कूल में पढ़ाने का, तो उन्होंने कहा कि चाय छोड़ दीजिए, दूध देना बंद कर दीजिए, और दूध का जो महीना होता है उससे इसको एक निजी स्कूल में भेजिए। मैं 2 साल के लिए एक निजी स्कूल में पढ़ने के लिए गया था और मुझे फर्क पता चल गया। फर्क यह था कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं क्लास 6 में दिस इज द कैट पढ़ते हैं, और जो निजी स्कूल है वो क्लास 3 से एडवांस इंग्लिश लर्निंग पढ़ते हैं। तो आप स्कूल से ही विद्यार्थियों को अवसर की समानता नहीं देते हैं। जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप कहते हैं कि वो मदरसे से निकल करके यूपीएससी में डीपीएस से पढ़े हुए बच्चों से मुकाबला करेंगे, तो वो कैसे मुकाबला करेंगे? सरकार की मैं बात कर रहा हूं, निजी शिक्षण संस्थानों की बात छोड़ दीजिए, सरकार की तरफ से ही कितने विद्यालय चलाए जा रहे हैं? नवोदय विद्यालय अलग है, सेंट्रल स्कूल अलग है, कस्तूरबा विद्यालय अलग है, राज्य की तरफ से चलने वाली सरकारें अलग है, सैनिक स्कूल अलग है, इतने तरह की शिक्षाएं दी जा रही है। और जब इतने तरह की शिक्षाएं दी जाएंगी तो आप मुझे बताइए कि भारत एक कैसे होगा? हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति कैसे नहीं होगी, जात के नाम पे नहीं होगी? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग सिटीजन नहीं बने, लोग नागरिक नहीं बने, लोग हिंदू और मुसलमान बन करके रहे। और जब इस आधार पर राजनीति होगी, अगर इस तरफ हिंदुओं के नाम पर राजनीति की जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर उस तरफ भी मुसलमानों के नाम पर राजनीति की जाएगी, आप इसको नहीं रोक पाएंगे। अगर इसको रोकना चाहते हैं तो इसकी बुनियाद में जाकर के हमको चोट करना पड़ेगा, और बुनियाद यह है कि शिक्षा आज भी इस देश के लिए राजनीति का विषय नहीं है, मुद्दा नहीं है। यहां हम तमाम राजनीतिक दलों के लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी अपने घोषणा पत्र में शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। कब से यह बात पेंडिंग पड़ी हुई है कि कोठारी कमीशन की रिपोर्टों को लागू किया जाए, जीडीपी का जो 6% है उसको एजुकेशन पे खर्च किया जाए, बजट का जो 10वां हिस्सा है, हम लोग नारा लगाते थे जब यूनिवर्सिटी में थे, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, आज तक बजट उस पर खर्च नहीं किया जा रहा।